मैंने शक्ति प्रदर्शन नहीं दिखाया है, ये तो मेरे भाई बहन भाई लोगों की सभी लोगों की ताकत है जो आपको शक्ति प्रदर्शन के रूप में नजर आ रही है। जनता खुद चुनाव लड़ रही है मेरे लिए। लगभग आप पिछले 4-5 सालों से कांग्रेस के साथ थे, अब कांग्रेस से बगावत करके बीएसपी में आए हैं, कांग्रेस को इसका क्या खामियाज उठाना पड़ेगा? अब ये तो वक्त बताएगा। पज्जन भैया ने मुझसे कहा था बब्बू राजा एक बार मुझे जिता दो, इसके बाद कमलनाथ जी बोले पज्जन जी को जिता दो, अगली बार आपको टिकट देंगे। और उन्होंने मेरे दिल को इतना बड़ा ठेस पहुंचाया, इतना बड़ा ठेस पहुंचाया कि पूरी जनता जानती है। इस वजह से मैं चुनाव लड़ा हूँ अपनी जनता के लिए, मैं अपने लिए चुनाव नहीं लड़ा हूँ। अगर मैं अपने लिए चुनाव लड़ता तो इन लोगों के साथ बड़ी बब्बू राजा ने पज्जन भाई को जवान दी थी, मेरा धड़ भी कट के अलग फेंक जाता तो मैं उनका अपनी जवान से अलग नहीं होता। छतरपुर विधानसभा में एक तरफ से भाजपा से ललिता यादव हैं, कांग्रेस से आलोक चतुर्वेदी हैं, और वहीं सपा से अगर हम बात करें तो बेनी प्रसाद चंदसौरिया जी हैं, और साइकिल से और आम आदमी पार्टी से अगर हम बात करें तो भागीरथ पटेल जी हैं। इन सब पार्टियों के बीच बीएसपी कहां खड़ी उतरी है विधानसभा? और आपने भी एहसास किया होगा कि बीएसपी सबसे आगे है। एक कांग्रेस का गुट ऐसा भी है जो कह रहा है कि आप ललिता यादव जी के समर्थन में बीएसपी पार्टी से उतरे, इस पर आप क्या कहना है? जी कुछ लोग हैं ऐसे बिचौलिए, मैं तो इनको बिचौलिया कहूँगा। पूरा मध्य प्रदेश चुनावी रंग में रंगा हुआ है। आज मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नामांकन फार्म भरने की आखिरी तारीख थी। छतरपुर विधानसभा से बसपा के उम्मीदवार रीलमणि बब्बू राजा सिंह ने आज अपना एक जन समर्थन के साथ जन समूह के साथ एक विशाल शक्ति प्रदर्शन करते साथ अपना फार्म जमा किया है, क्या कहना चाहेंगे सर? ये जो आज फार्म भरने गए हम, तो इसमें हमारे बहुत से ही लोग, बहुत प्रेमी लोग हैं। एक खबर भर पहुंचाई मैंने कि आज मेरा फार्म भरना है, सबसे हाथ जोड़ के मैंने कहा कि भाई कल मैं फार्म डाल रहा हूँ 30 तारीख को 2 बजे करीब, तो आप सभी लोग आमंत्रित हैं। मैं हाथ जोड़ के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और इस तरह से मैंने एक अपील डाली और सारे लोग सुबह से काफ़ी लोग जुड़ गए और आए मेरा फॉर्म भराने के लिए। आप देख रहे हैं जन समूह, तो आप ही लोग देख रहे हैं, ये मेरे बहुत सच्चे भाई हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, पिता वगैरह हैं, पिता वगैरह तुल हैं, मैं इन्हें बहुत मानता हूं और मैं इनके अच्छे बुरे में सब में साथ देता हूं। आज ही कांग्रेस के प्रत्याशी पज्जन चाचा ने भी अपना फॉर्म भरा है, उनने भी एक शक्ति प्रदर्शन करके अपना नामांकन दाखिल, उस पर क्या कहेंगे? देखो सभी प्रत्याशियों ने अपना अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया है, मैंने शक्ति प्रदर्शन नहीं दिखाया है, ये तो मेरे भाई बहन भाई लोगों की सभी लोगों की ताकत है जो आपको शक्ति प्रदर्शन के रूप में नज़र आ रही है। और जिन्होंने शक्ति प्रदर्शन दिखाया है तो उनका भी आपने देख लिया है, जन समूह देख लिया है, सब देख लिया है, और आपको अंदाज लगा रहे होंगे कि बहुजन समाज पार्टी के साथ अपने डीलमणि सिंह बब्बू राजा के साथ उनके भाई बहन कितने साथ हैं, ये आपको खुद नजर आ रहे होंगे। मतदान की तारीख लगभग 15-20 दिन बचे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता से अपील करेंगे आप, क्या करेंगे? जनता खुद चुनाव लड़ रही है मेरे लिए, अपील के लिए तो ये है जनता की कि 5 साल में अपने छतरपुर विधानसभा में 1 इंच सीसी रोड नहीं डली, 1 इंच यहाँ जितने सरपंच वगैरह हों, गांव के लोग हों, तो विधायक मत से निधि से एक भी कोई सीसी रोड नहीं डली, कोई ऐसे काम नहीं हुए हैं, गड्ढा गुड्ढी दिख रहे हैं। आज भी मैं गांव में जाता हूँ तो कहीं बड़े बड़े गड्ढे मिलते हैं, पानी भरा रहता है, तो कहीं आधे दूर से लौटना पड़ता है जनसंपर्क में, या ऊपर से कहीं से जाना पड़ता है। एक चीज़, दूसरी चीज़ वहाँ सबसे बड़ी समस्या है परमिटों की, जो अपने विधायक के काल में इस 5 वर्ष में परमिट नहीं बने बेचारों के, जिनके न बनना चाहिए वो नहीं बने, और जिनके नहीं बनना चाहिए वो बन गए, इसलिए गरीब जनता परेशान है। और ना तो उनकी वो बनी है का बोला कुटीर वगैरह, और के जितनी योजनाएं आई हैं उन योजनाओं का
उन्हें लाभ नहीं मिल पाया है उन लोगों को। अभी क्या है, जैसे वर्तमान में गल्ला मिलता है तो उनके फिंगर नहीं आ रहे हैं, तो बेचारों को 5-5 लीटर 5-5 किलो जो गेहूँ मिलता है वो भी नहीं मिल रहा है, इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बहुत से स्कूल वगैरह देखो आप, सरकारी स्कूलों से नाम कटा कटा कर प्राइवेट स्कूलों में नाम लिखवा रहे हैं, यातायात में काफ़ी एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं, कोई व्यवस्था सही नहीं है। आप स्वास्थ्य विभाग में देखो तो स्वास्थ्य विभाग की सरकारी स्वास्थ्य विभाग की चरमराई हुई की हालत है, और जो प्राइवेट स्वास्थ्य विभाग है वो बड़े धड़ल्ले से चल रहे हैं। अपन चुनाव जीत के आते हैं तो हमारे सारे भाई बहन जितने हैं जिस सभी विधायक बनेंगे और इनके साथ मिलजुल कर मैं सारी व्यवस्थाएं अच्छे से बनाऊंगा। लगभग आप पिछले 4-5 सालों से कांग्रेस के साथ थे, आप कांग्रेस से बगावत करके बीएसपी में आए हैं, कांग्रेस को इसका क्या खामियाजा उठाना पड़ेगा? अब ये तो वक्त बताएगा कांग्रेस क्या खामियाजा उठाएगी, क्योंकि पज्जन भैया ने मुझसे कहा था बब्बू राजा एक बार मुझे जिता दो, मैंने उनकी बात नहीं मानी। पिछली बार भी मैं चुनाव लड़ रहा था और इसके बाद कमलनाथ जी बोले पज्जन जी को जिता दो, अगली बार आपको टिकट देंगे। इन्होंने भी कहा था एक बार जिता दो, अगली बार आपको लड़वाऊंगा। मैंने भाई की तरह उनका साथ दिया, इस प्रकार से साथ दिया कि सारी जनता जानती है, और उन्होंने मेरे दिल को इतना बड़ा ठेस पहुंचाया कि पूरी जनता जानती है। इस वजह से मैं चुनाव लड़ा हूँ अपनी जनता के लिए, मैं अपने लिए चुनाव नहीं लड़ा हूँ। अगर मैं अपने लिए चुनाव लड़ता तो इन लोगों के साथ बड़ी, मैं सारी जनता के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है कमलनाथ जी ने और पज्जन भैया ने, ऐसा धोखा कभी किसी को नहीं देना चाहिए। और मैं तो भाई एक सच्चा सीधा साधा आदमी हूं, राजनीतिक नहीं हूं, जो कुछ भी मैं कहता हूं दिल से बोला करता हूं और दिल से साथ लगा था इनके, मगर इन्होंने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। ईश्वर कभी किसी को इतना बड़ा धोखा ना दे, या जबान दे तो फिर खरा उतरे। बब्बू राजा ने पज्जन भाई को जबान दी थी, मेरा धड़ भी कट के अलग फेंक जाता तो मैं उनका अपनी जबान से अलग नहीं होता, मैंने पूरी जबान निभाई। मैंने तो उनसे ये कह दिया था कि भाई आपको छतरपुर लड़ना है लड़ो, मुझे बिजार पहुँचा दो, मगर बिजार में मेरे साथ सहयोग करो, मेरे साथ चलो, मैं छतरपुर आपके लिए छोड़ दूंगा। इन्होंने जगदीश शुक्ला या बबलू शुक्ला के डर के वजह से जी हमारे साथ नहीं गए और अपने हाथ से अपने पैर में कुल्हाड़ी पटकी है इन्हें। मैंने तो उन्हें बार बार मौके दिए हैं कि भाई बाजार से मुझे टिकट मिले या ना मिले आप मेरा साथ भर दे दो, मगर पज्जन भैया ने मेरा साथ नहीं दिया और मुझे अपने भाई बहनों के काम कराने के लिए खुद स्वयं आगे आना पड़ा और मैं चुनाव लड़ रहा हूं। अपने सभी भाई बहन जितने हैं इन लोगों के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो ये समझ लो मेरे सारे भाई बहन चुनाव जीत गए और ये सारे विधायक कहलाएंगे, ये जो आवाज़ उठाएंगे जो कुछ कहेंगे मैं वो काम करूंगा। छतरपुर विधानसभा में एक तरफ से भाजपा से ललिता यादव हैं, कांग्रेस से आलोक चतुर्वेदी हैं, और वहीं सपा से अगर हम बात करें तो बेनी प्रसाद चंदसौरिया जी हैं, और साइकिल से और आम आदमी पार्टी से अगर हम बात करें तो भागीरथ पटेल जी हैं। इन सब पार्टियों के बीच बीएसपी कहाँ खड़ी उतरी है विधानसभा में? देखो बीएसपी तो हमारे सभी संगी साथी चुनाव लड़ रहे हैं और आपने भी एहसास किया होगा कि बीएसपी सबसे आगे है इस समय पे, और ईश्वर इसी प्रकार से सब हमारे भाई बहन साथ बने रहेंगे तो आज आगे है कल आगे रहेगी और निश्चित ही हमारे सभी भाई बहन चुनाव जीत कर आएंगे। एक कांग्रेस का गुट ऐसा भी है जो कह रहा है कि आप ललिता यादव जी के समर्थन में बीएसपी पार्टी से उतरे, इस पर आप क्या कहना है? जी कुछ लोग हैं ऐसे बिचौलिए, मैं तो इनको बिचौलिया कहूँगा। ए कांग्रेस की सरकार बनी 15 महीना बहुत अच्छी मतलब पावर में रहे, 15 महीना में जो हमारे लिए कह रहे हैं कि कांग्रेस के एजेंट बन के चले हैं, मैं कांग्रेस का एजेंट बन के नहीं चला हूं, मेरी जनता जानती है। ये भाजपा में जाने वाले थे, हर जगह पूरे में हल्ला था कि भाजपा में जा रहे हैं दर दर
भटक आए हैं, भाजपा की सबरी देरी भटक ली है। जब इन्हें टिकट का वहाँ से वो नहीं मिला तो ये लौट के कांग्रेस में आए हैं। ये 15 महीने की सरकार में कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता थे, मैं तो खैर इनका एक साथी था, जब इनने मुझे कठपुतली बना दिया तो ये जितने कार्यकर्ता थे, ये सारे कार्यकर्ता जितने कार्यकर्ता थे कठपुतली के रूप में नचाते रहे। और इन्होंने केवल खदान बालू के अलावा कोई काम नहीं किया है, ना किसी जनता का सुना हिया। और जो कांग्रेस में गुट बता रहे हैं आप गुट है, तो कांग्रेस के जितने ही सिपाही हैं इनसे रुष्ट हैं, इन्होंने उनको देखा नहीं है उस तरफ, ना कार्यकर्ताओं का कोई काम किया है, सारे कार्यकर्ता इनसे नाराज हैं। मैं भी कांग्रेस रहा हूँ, कांग्रेस में रहा हूँ, आज BSP का दामन थामा है, इस वजह से सारे कांग्रेसी जितने हैं सब आज बब्बू राजा के साथ हैं। और एक समय आने पर पज्जन भाई मतलब विधायक जी को समझ में आ जाएगा कि उनने 5 साल में क्या किया क्या नहीं किया। सभी के साथ छलावा और धोखा के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है, ये जनता जवाब देगी उनको। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ छतरपुर विधानसभा से BSP के उम्मीदवार डीलमणि सिंह बब्बू राजा उपस्थित थे। मध्य प्रदेश की सियासत की उठापटक देखने के लिए लगातार पेपर टाइम पर बने रहिए। रोज पाटा के साथ आयुष शुक्ला, नमस्कार।